हेलो एवरीवन, मैं विक्रम विका अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक यानी हृदय आघात या जिसको अपन दिल का दौरा भी कहते हैं। तो ये जो हार्ट अटैक है ये किस कारण आता है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए कि जो हमारा शरीर है इसकी प्रत्येक कोशिका को नियमित रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा हमारे जो हृदय है वो प्रत्येक हिस्से तक यानी प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाता है और उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन वहां पे पहुंचती है और उस ऑक्सीजन द्वारा वहां पे ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा कोशिकाओं को मिलती है। तो हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए यानी प्रत्येक कोशिका तक ब्लड है वो भी पहुंचना चाहिए जिसके साथ ऑक्सीजन वहां पे पहुंच सके और हमें काम करने के लिए प्रत्येक कोशिका को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा है वो मिलती रहे। इसी प्रकार से जो अपना हृदय है, हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती है उनको भी सुचारू रूप से नियमित रूप से कार्य करने के लिए वो ऑक्सीजन की सप्लाई होना बहुत ही जरूरी है। और जब हमारा जो हृदय है, मान लीजिए ये हमारा जो अपना ये हृदय है, इस हृदय की ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं तक ये जो रक्त को पहुंचाने वाली ऑक्सीजनित रक्त को पहुंचाने वाली ये जो धमनियां होती है, इन धमनियों में जब कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जो हृदय की कोशिकाएं हैं इनमें तेज दर के साथ ये सभी कोशिकाएं धीरे धीरे मरना प्रारंभ कर देती है जिसे अपन हार्ट अटैक या हृदय आघात या अपन सामान्य भाषा में दिल का दौरा भी कहते हैं। तो इस कारण हार्ट अटैक आता है। ये किस कारण आता है कि जब हृदय की कोशिकाओं तक सुचारू रूप से जो ऑक्सीजनित रक्त है वो नहीं पहुंचता है या जो हृदय धमनियां है, जो हृदय धमनियां जो हृदय की कोशिकाओं तक रक्त को लेके जाती है उनके अंदर कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो हृदय कोशिकाएं तेज दर के साथ मरना आरंभ हो जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। ये जो हार्ट अटैक की प्रोसेस है ये तीन चरणों के अंदर होती है। यानी पहले क्या होता है, पहले हाइपोक्सिया होता है यानी ऑक्सीजन की कमी। जब ये अवरुद्ध हो जाती है तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी आती है जिसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया के बाद में होता है एनोक्सिया यानी O2 अनुपस्थित, वहां पे ऑक्सीजन पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, अनुपस्थित यानी ऑक्सीजन की वहां पे कोई संभावना यानी ऑक्सीजन है वो नहीं होती है, इसे बोलते हैं एनोक्सिया। और अंतिम जो प्रक्रिया है वो होती है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंदर अपनी जो हृदय की कोशिकाएं हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो क्या करती है, तेज दर के साथ मरना आरंभ कर देती है। तो ये तीन चरणों के अंदर हार्ट अटैक की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे ये जो हृदय धमनियां है इनके अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा का पता लगाने की जो प्रक्रिया है, जो बाधा पता लगाने का प्रक्रम है उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। उसको क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।